जी, मैं हूँ परी। सो फ्रेंड्स, आज ना हम लोग एक चैलेंज करने वाले हैं और वो चैलेंज बहुत मज़ेदार है, क्योंकि वो चैलेंज है ए टू जेड स्टेशनरी शॉपिंग चैलेंज। और ये चैलेंज ना मेरे लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें ना कोई बजट नहीं है और मुझे भी अब स्टेशनरीज के लिए थोड़ा ज़रूरत की चीज़ें वो भी मैं ले सकती हूँ, लेकिन ए टू जेड। और आई होप सो इस दुकान में थोड़ा वो सारी चीज़ें जो मुझे ज़रूरत है ए टू जेड वगैरह मैं ले पाऊँ। अगर नहीं होगा उनमें से कुछ तो फिर और एक दुकान जाना पड़ेगा। तो फिर चलो, लेट्स स्टार्ट आवर चैलेंज। तो फिर नीचे ना सारे ग्रॉसरी सामान मिलते हैं, लेकिन यहाँ स्टेशनरी और वो सब मिलता है। तो फिर चलो देखते हैं ए से क्या ले सकते हैं हम लोग। ए से हम लोग ए फोर शीट या फिर एक्रेलिक कलर्स ले सकते हैं। अंकल, वो एक्रेलिक कलर है? हाँ, कलर है। कौन सा कलर चाहिए? एक कलर पिक कर सकते हैं? वाइट। वाइट ज़्यादा ज़रूरी कलर होता है। एक्रेलिक कलर, हाँ ये देख लीजिए, एक्रेलिक कलर्स। थैंक यू अंकल। तो फिर ए से एक्रेलिक कलर्स मिल गया हमको। हाँ, बी से ब्रश। और मैं दीदी के साथ कभी कभी वो ऑन दीदी हम लोग कॉल में होते हैं और हम लोग मतलब पेंटिंग करते हैं साथ में, तो फिर उसके लिए ब्रश चाहिए होगा। ये वाला ब्रश, हाँ ठीक है, ये वाला ब्रश लेते हैं। ये वाला सही है, बी से ब्रश। सी से कंपास, क्रेयॉन्स, सीडी मार्कर, ये सही रहेगा। और मैं, हाँ, इस जो मैं चीज़ें ले रही हूँ अभी उसका बिल का आप बिल मैं ना आपको लास्ट में बोलूँगी टोटल कितना खर्च हुआ। तो फिर सी से सीडी मार्कर, लेकिन इसका एक ही चाहिए मेरे को। तो फिर मेरे को एक ही लेना है, तो मैं एक ही निकाल रही हूँ इधर से। मैं पूरा डब्बा नहीं लूँगी। Nope. चलेगा। तो फिर सी से हमारा सीडी डीवीडी मार्का। अभी डी से क्या ले सकते हैं हम लोग? डी से डायरी। कितने सारे क्यूट डायरीज है ना, ये पांडा वाला। नो no. कितने मिनी पॉकेट डायरीज भी हैं। वाह, इसमें तो स्टिकर्स, इसमें स्टिकर्स जैसे भी आ रहे हैं। थोड़ा सा क्यूट वाला चाहिए मेरे को, वो पांडा वाला अच्छा नहीं लग रहा। डायरी मुझे थोड़ा फ्लफी वाला चाहिए था लेकिन मिला नहीं। तो फिर चलो ड्राइंग शीट देखते हैं। ड्राइंग शीट हमको डी से मेरे पसंद का डायरी मिला नहीं, तो फिर मैं डी से ड्राइंग शीट ले रही हूँ। तो फिर ई से मैं ले रही हूँ इरेजर, और मुझे ये पीकॉक वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसका एक ही लूँगी मैं। कौन सा लूँ? ये ग्रीन वाला लेती हूँ। चलो, तो फिर ई से इरेजर। वाओ, कितना क्यूट सा एक है। अभी एफ से क्या ले सकती हूँ मैं? एफ तो बहुत डिफिकल्ट वर्ड आ गया। एफ से स्टेशनरी। अब फोल्डर, यहाँ फोल्डर मिल रहे कितने अच्छे अच्छे देखो तो। वाह, कितना सुंदर फोल्डर्स मिल रहे हैं ना। एफ से फोल्डर, यस। लेकिन मैं ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ज़्यादा डिजाइनिंग लग रहा है। ये वाला, नो नो नो, ये वाला परफेक्ट है। एफ से फोल्डर हो गया, लीफ वाला अच्छा डिज़ाइन है ये। चलो अभी एफ तक आ गए हैं, अभी जी से क्या ले सकते हैं? जी से ग्लिटर, हमेशा की तरह। और यहाँ ऊपर ग्लिटर है, ये ग्लिटर नहीं है। ओ, ये तो ग्लिटर ग्लू है। तो फिर मैं जी से ज्योमेट्री बॉक्स ले रही हूँ। ग्लिटर तो मेरे पास बहुत सारे हैं। ज्योमेट्री बॉक्स अच्छा वाला, इसमें स्केल्स। वाह,
ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है, अंदर देखते हैं कैसा होगा। आउच, पर्पल कलर है, बढ़िया। निकल जा, निकल, हाँ निकल गया। चलो देखते हैं कैसा होगा अंदर। वाओ ये तो बहुत अच्छा है। इसमें ये है, ये राउंडर है और पेंसिल शेड, इरेजर, सारा इसमें स्केल्स भी है। ये बढ़िया है। तो फिर जी से हमारा ज्योमेट्री बॉक्स। हेच से हम लोग क्या ले सकते हैं? हेच 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 से क्या कुछ? हाइलाइटर। हेच से हम लोग हाइलाइटर ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें से एक ही लूँगी क्योंकि मैं पूरा डब्बा नहीं लेने वाली हूँ बाबा। हाँ ये जो शेड है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर पढ़ाई करने के टाइम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या फिर वर्ड्स होते हैं ना, उसको हाईलाइट करने के लिए हम लोग हाईलाइटर लेते हैं। तो फिर मैं अपना फेवरेट कलर शेड का हाईलाइटर ली हूँ। चलो आई से क्या लूँ यहाँ, आई से क्या ले सकती हूँ? आई से इनविजिबल टेप, यार देख ही नहीं भाई। हाँ ये वाला। तो फिर आई से हम लोग ले रहे हैं इनविजिबल टेप। तो फिर मैं जे से ज्वेलरी एलिमेंट्स ले रही हूँ, ताकि मेरी मम्मी थोड़ा वो क्राफ्ट्स बना सके और मैं भी थोड़ा। अरे आपको पता है कि मेरी मम्मी का चैनल का नाम, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, उनके चैनल का नाम है रूबी होम मेकर। ज़रूर देखना, उधर ना आर्ट एंड क्राफ्ट्स आते हैं और रेसिपीज भी। और बहुत जल्द मम्मी के चैनल में हम लोग बहुत सारे मज़ेदार क्राफ्ट्स बनाने वाले हैं। जे से ज्वेलरी एलिमेंट्स। अभी नेक्स्ट लेटर में चलते हैं। तो कैसे मैं ले रही हूँ कीचेन। वो अच्छा कीचेन है ये, स्क्विशी साइक। ये वाला और एक कौन सा दिखा रही थी, और एक कौन सा सोच रही थी, हाँ ये वाला। इन दोनों में से कौन सा लूँ मैं सोच रही हूँ। पापा मैं कौन सा लूँ, गेस कर। मुझे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है फिर ये वाला लेते हैं। वैसे इसमें ये स्प्रिंकल्स जैसे वाले भी हैं, चलेगा। तो फिर एल से हम लोग ले रहे हैं लेटर स्टिकर। और हाँ ये वाला ले या फिर ये वाला। हाँ ये वाला था क्यूट और अच्छा लग रहा है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा ग्लिटरी लग रहा है। तो फिर एल से है लेटर स्टिकर्स। वाओ कितने क्यूट क्यूट है ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अंकल आपके पता है वो मैजिक पेन का है? मैजिक पेन चाहिए? हाँ ये आते हैं। कौन सा कलर चाहिए? ये वाला चाहिए, पिंक का। हाँ ये आता है। हाँ इसका लिक्का लगेगा इधर से। हाँ बाद में इधर टॉर्च लाइट आता है। हाँ मैं देख के इधर से लिक्का आएगा। हाँ निकाल के बाद में लाइट डालेगा। अच्छा ऐसा होता है लाइटिंग। अच्छा अच्छा है तो ठीक है ना। हाँ कौन सा कलर चाहिए? ये वाला ही जो आप यूज किए आप ये वाला। हाँ ठीक, थैंक यू अंकल, थैंक यू। तो फिर एम से हमारा मैजिक पेन हो गया। वाओ तो फिर मुझे क्यूट सा नोटबुक मिल चुका है, वो भी एन से, एन फॉर नोटबुक। ये वाला परफेक्ट है और इसके पीछे ना बहुत सारे मतलब पजल्स वैसे सारे हैं, ये देख लीजिए। वाओ परफेक्ट है। तो फिर एन फॉर नोटबुक। और ये एक मिनी नोटबुक जैसा ही है, इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं। अभी ओ से चलते हैं, ओ से। तो फिर ओ से मैं ले रही हूँ ऑक्टेन पेन, जो जेल वाला होगा। तो फिर ऑक्टेन पेन मैं ले रही हूँ ओ से।
लेट्स गो, लेट्स कंटिन्यू। तो फिर ये है हमारा पीस ऑफ पेंसिल, क्योंकि ऑलरेडी मैं पेन ले चुकी हूँ, तो फिर इस बार पेंसिल लेते हैं। okay. और मेरे को एक बहुत अच्छा पेंसिल मिला है, ये 60 रुपीज़ का है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेंसिल्स हैं, और ये बहुत कलरफुल है, इसके पीछे रबर है, बहुत अच्छा है। तो फिर हम लोग पीस ऑफ पेंसिल ले रहे हैं। तो फिर क्यों से है हमारा सॉफ्ट सॉफ्टी क्विल, क्यों से क्विल ले रहे हैं हम लोग, और हमको एक ही चाहिए। इनमें से मैं कौन सा लूँ, ये ब्लू वाला, इसमें तो एक ही कलर है, इसे बहुत सारे हैं लेकिन ये शफल्ड है। ये डार्क ब्लू वाला, नो, ये वाला, हाँ कहाँ गया वो वाला, मैं ये वाला ले रही हूँ क्योंकि इसमें ना मम्मी अपना इयर रिंग्स बना सकते हैं, और मैं इससे अपना कुछ वो क्राफ्ट्स बना सकती हूँ, कार्ड्स उसमें यूज़ कर सकती हूँ इसे। तो फिर ये वाला परफेक्ट है मेरे लिए। वाओ, कितना सुंदर सुंदर रिबन है, और वैसे भी मैं आर से ही ढूंढ रही थी, आर से रिबन। वाओ, ये पिंक वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है। इन दोनों में से कौन सा लूँ, ओ ब्लू भी मिल रहा है यार, हाँ इन दोनों में से कौन सा लूँ, देखते ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है पिंक, लेट्स गो विथ पिंक, आर से रिबन पिंक कलर का, लेट्स कंटिन्यू। और ऐसे में ले रही हूँ स्टिकर्स, मैं सोच रही हूँ कौन सा लूँ, ये मल्टी कलर वाला या फिर ये गोल्डन वाला, मल्टी कलर वाला लेते हैं चलो। तो फिर टी से हम लोग ले रहे हैं टेप, हाँ टी से हम लोग ले रहे हैं टेप, ये वॉल में हम लोग यूज़ करेंगे बोथ साइड टेप, लेकिन ये एक टेप ही तो है, तो फिर टी से टेप। तो फिर यू से हम लोग ले रहे हैं यूनिकॉर्न स्टेशनरी, यूनिकॉर्न स्टेशनरी से मैं ले रही हूँ ये यूनिकॉर्न शार्पनर, यहाँ से शार्प करेंगे और फिर इसको निकाल कर सारा धूल हम लोग निकाल देंगे यहाँ से, अच्छा है ना, क्यूट सा। और हाँ चेक करते हैं कि ये खड़ा हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि ये ऐसे मर्मेड जैसा है ना, ओ हाँ ये तो खड़ा हो पा रहा है, बढ़िया क्यूट सा एक है। तो फिर वी से हम लोग ले रहे हैं वॉलेट इरेजर, तो फिर ये है हमारा वॉलेट इरेजर जिससे बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस भी आता है, इसलिए मुझे ये वाला इरेजर बहुत अच्छा लगता है, वी से वॉलेट इरेजर, क्योंकि और कुछ मिला नहीं मेरे को। तो फिर डब्ल्यू से हम लोग लेंगे वाटर कलर, यहाँ कितने सारे वाटर कलर्स हैं, ये वाला लेते हैं, ये वाला छोटा सा एक पैक है, इसमें सारे कलर्स हैं सही है। डब्ल्यू से वाटर कलर, अभी नेक्स्ट में चलते हैं। एक सबसे डिफिकल्ट वर्ड है लेकिन चलते चलते मुझे मिल गया, वो है जेरोक्स पेपर, एक्स जेरोक्स पेपर है हमारा, चलो। वाई से हम लोग येलो थ्रेड मम्मी के लिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा लेंगे, येलो तो ग्रीन जैसे लग रहा है, येलो थ्रेड अच्छा वाला नहीं मिल रहा थ्रेड, अब वाई से क्या ले सकते हैं, कहाँ क्या स्टिकी नोट्स, वाई से हम लोग स्टिकी नोट्स ले सकते हैं, येलो स्टिकी नोट्स, येलो कलर है येलो स्टिकी नोट्स, इससे मैं अपना टाइम टेबल कुछ कुछ वैसे लिख सकती हूँ। तो फिर जेड से मैं जिप्ड पाउच ढूंढ रही हूँ, क्योंकि जेड से और कुछ मिला नहीं, जिप्ड पाउच ही एक है, ये वाला अच्छा डिज़ाइन है ना, या फिर ये वाला, इन दोनों में से कौन सा लूँ, पापा एनी चॉइस कौन सा लूँ, ये अच्छा लग रहा है ठीक है फिर जेड फॉर जिप्ड पाउच, अच्छा डिज़ाइन का मिला है मेरे को जेड फॉर जिप्ड पाउच, इसमें अच्छा स्पेस भी मिल रहा है।
सो फाइनली हमारा ए टू जेड शॉपिंग सारा इस एक ही दुकान में हो गया। अभी चलो बिल काउंटर देखते हैं कि कितना बिल हुआ। 1000 के अंदर होना चाहिए। चलो लेट्स गो टू द बिल काउंटर। अंकल बिल कर लो। ट्रॉली few moments later अंकल 26 आइटम्स हुए क्या? हां है ना 26 हो गया ना। और बिल क्या? बिल अभी 833 हो गया। 833 ठीक है 1000 के अंदर ही है। तो फिर नीचे कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं क्या अंकल? डिस्काउंट चाहिए क्या? हां ठीक है 5% किया है आपके लिए। ठीक है मेरा टोटली अभी 791 हो गया। ओके थैंक यू अंकल। ओए अम्मा तो फिर फाइनली हमारा शॉपिंग हो गया है। और ये देखिए इतना लंबा बिल है ये हमारा। कितने सारे आइटम्स लिए हैं हम 26 के 26। हाँ आज तो मुझे बहुत मज़ा आया। यस बहुत सारे स्टेशनरीज भी आ गए हैं मेरे लिए। और फ्रेंड्स आपको मज़ा आया कि नहीं? अगर मज़ा आया तो आपको पता है क्या करना है। हाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। बाय लेट्स इन द वीडियो शी।